सीजन के शुरू में हमें एक लड़की कारा दिखाई देती है जो रात के वक्त घर से जॉगिंग के लिए निकलती है। उसे पार्क में एक चमकती हुई बुक हवा में नजर आती है। कारा जब उस बुक को टच करती है तो करंट लगने से दूर जा गिरती है और गिरने से बेहोश हो जाती है। होश में आने पर वो खुद को अपने रूम में पाती है जहां उसे एक अनजान लड़की लेकर आई थी। कारा उस लड़की से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो लड़की उसकी किसी बात का भी जवाब नहीं देती। तभी अचानक उस लड़की के विंग्स निकल आते हैं और वो छोटी सी होकर वहां से उड़कर चली जाती है। और अब सीन शिफ्ट होता है 8 घंटे पहले पास में, जहां कारा स्कूल में बास्केटबॉल का मैच हारने पर मायूस होकर अपने बेस्ट फ्रेंड पीटर और मटिल्डा के साथ स्कूल से बाहर निकलती नजर आती है। और फिर सीन कट होता है और हमें एक बुक शॉप दिखाते हैं जहां प्रोफेसर मैक्सवेल शॉप क्लोज करके मैजिकल वॉल से होते हुए एक लाइब्रेरी में आते हैं जो यकीनन एक मैजिकल लाइब्रेरी है। वहां मैक्सवेल 4 स्टूडेंट्स को मैजिक सिखाते हैं जिनमें 2 एल्फ सिविलियंस इमोर्जन और डारा और बाकी 2 लीली और रक्सी हैं। मैक्सवेल अगले वीक होने वाले टेस्ट के बारे में इन्हें बताते हैं तो रात उसकी तैयारी के लिए इमोर्जन लाइब्रेरी से बुक लेने आती है जबकि लाइब्रेरी से बुक ले जाना सख्ती से मना है। इमोर्जन को जब लीली ऐसा करता देखती है तो उसके पीछे जाती है। दोनों के बीच पार्क में बहुत लड़ाई होती है और बुक हवा में लहराने लगती है। अब कारा लीली और इमोर्जन को तो जब तक वो ना चाहे उन्हें नहीं देख सकती, इसलिए उसे हवा में चमकती हुई बुक नजर आई और उसे टच करने पर उसके साथ वो हादसा हो गया। और अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट पर, जहां अगले दिन कारा के फादर उसे उठाने आते हैं क्योंकि वो जॉब से बहुत लेट हो चुकी थी। कारा अपने साथ हुए रात वाले हादसे को भुलाकर अपने डॉग को वॉक पर ले जाती है जहां उसके साथ एक और बहुत अजीब चीज होती है। वो डॉग उसके साथ बातें करने लगता है और कारा भी उसकी बातें समझ पा रही होती है। वहां दूसरी तरफ लिली इमोर्जन को बताती है कि कारा उसके ना चाहते हुए भी उसे देख पा रही थी। बुक को टच करने पर कोई रिएक्शन हुआ है जिसकी वजह से उसके साथ ये सब हो रहा है। अब उन्हें ही मिलकर इस चीज का हल निकालना होगा। इन्हीं सब में इन दोनों में बहस होना शुरू हो जाती है और फिर लड़ाई होने लगती है जिससे मैक्सवेल की शॉप की काफी चीजें गिरने लगती हैं। तभी शॉप में पीटर आया हुआ था जिसे कॉमिक्स का बहुत शौक है। मैक्सवेल पीटर के शॉप से जाने के बाद फौरन लाइब्रेरी जाता है लेकिन उसे देख लिली और इमोर्जन कुछ नहीं बोलती वरना उन्हें सजा मिलती। इसीलिए दोनों साथ मिलकर इस मसले को हल करने का फैसला करती हैं। वह कारा की फिंगर्स एल्फ की तरह ग्लो करने लगती हैं। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी वहां इमोर्जन और लिली आ जाती हैं, जो उसे बताती हैं कि मैजिकल बीइंग्स इस दुनिया में हैं, जो इंसानों को दिखे बिना और उन्हें पता चले बिना उन्हें बहुत सारी मुश्किलों से बचाते हैं। फिर लिली कारा की मेमोरी खत्म करने की कोशिश करती है लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता, इसलिए अब मजबूरन दोनों को कायरा को मैक्सवेल के पास ले जाना पड़ता है। लेकिन मैक्सवेल भी कायरा की जादुई शक्तियां होने की वजह नहीं जान पा रहा था और ना ही उस बुक में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से उसके साथ ये सब हो रहा हो। लेकिन अब कारा के पास फेरी और एल्फ दोनों जैसी शक्तियां थी, इसीलिए मैक्सवेल जब तक इस मसले का हल नहीं निकाल लेता वो कारा को यहीं रहने का कहता है। कारा के लिए ये सब समझना बहुत मुश्किल हो रहा था और वो मैक्सवेल को मना करके वहां से चली जाती है। मैक्सवेल इमोर्जन और लिली दोनों को कारा के पीछे लगा देता है ताकि वो उनका सीक्रेट लोगों को ना बता सके। कारा जब घर पहुंचती है तो उसकी फिंगर्स फिर से ग्लो करने लगती हैं और वो अपनी शक्तियों को भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। लिली वहां पहुंचकर उसकी मदद करती है और उसे मनाकर वापस मैक्सवेल के पास ले जाती है। मैक्सवेल कारा को बताता है कि एक टाइम था जब इंसान और मैजिकल बीइंग्स एक साथ रहा करते थे, फिर इंसानों ने उनकी ताकतों का फायदा उठाना शुरू कर दिया जिससे वो गायब हो गए और अब वो इसी तरह अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन कारा को ये सब एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसे इस राज को राज रखना बहुत जरूरी था वरना इन लोगों के लिए फिर से मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। मैक्सवेल जब तक वापस से कायरा को इंसान बनाने का हल नहीं ढूंढ लेता तब तक वो उसे अपनी शक्तियां कंट्रोल करने के लिए उनके साथ क्लासेस लेने को बोलता है। कारा की पहली क्लास चल ही रही होती है कि तभी DMI जो कि इन मैजिकल बीइंग्स का हेड ऑफिस है वहां से इन लोगों को एक मैजिकल चेयर पकड़ने का टास्क मिलता है जो इंसानी दुनिया में खुले आम घूम रही है। मैक्सवेल इन सबको उस चेयर को पकड़ने के लिए भेजता है। उस मैजिकल चेयर को पकड़ने के लिए एल्फ और फेरी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था लेकिन कारा ये टास्क बहुत आसानी से पूरा कर देती है। इनके लाइब्रेरी वापस जाने पर पहले तो मैक्सवेल इन पर बहुत गुस्सा होता है और इन्हें कहता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। और वहीं मैक्सवेल कारा की भी बहुत तारीफ करता है जिसके बाद कारा इनका एक पार्ट बनकर मैजिक सीखने के लिए तैयार हो जाती है। और अब इसका अगला टास्क ये था कि उसे ये मैजिकल स्कूल और ह्यूमन स्कूल दोनों को साथ लेकर चलना है। कारा में हर रोज एल्फ और फेरी की पावर्स बढ़ने लगी थी और साथ ही साथ लिली भी उसे नई पावर सीखने में काफी मदद करती है। और फिर कारा को पीटर का फोन आता है जो स्कूल के एक प्ले में रोमियो का रोल मिलने पर बहुत डरा हुआ है, इसीलिए कारा उसकी मदद करने के लिए चली जाती है। वहां पीटर कारा को इनविजिबल होने वाली ट्रिक करते हुए देख लेता है और कारा से सवाल पे सवाल करने लगता है जिसका उसके पास कोई भी जवाब नहीं होता। और तभी वहां इमोर्जन और लिली आ जाती हैं और मजीद कोई हल ना मिलने की वजह से वो पीटर की मेमोरी अरेज करने वाला मैजिक कर देती हैं।
जिससे पीटर की बस वो वाली मेमोरी नहीं बल्कि उसकी सारी मेमोरीज अरेज हो जाती हैं और वो खुद को रोमियो समझने लगता है और वो हर जगह रोमियो बना अपनी जूलियट ढूंढने लगता है। कारा डारा को पीटर पर नजर रखने का बोलकर खुद लाइब्रेरी इस मसले का हल ढूंढने चली जाती है, जहां रक्सी और कारा मिलकर इस मसले का हल ढूंढने लगती हैं। उसे कुछ टाइम देने के लिए कारा लीली को जूलियट बनाकर पीटर को संभालने के लिए ले आती है। इतनी देर में रक्सी और मोर्जिन इस मसले को हल करने वाला मैजिक भी ढूंढ लेती है, जो मोर्जिन लीली और कारा को जाकर बताती है और ये लोग पीटर को वापिस से पहले की तरह कर देते हैं। कारा को ह्यूमन वर्ल्ड और मैजिकल वर्ल्ड में बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था और जब वो मैजिक की क्लास लेने जाती है तो उसे एक न्यू टास्क मिलता है। डारा और रक्सी को लोगों की गुमी हुई चीजें उन तक पहुंचाने का काम मिलता है, जबकि लीली और मोर्जिन को इस लेटर बॉक्स से लोगों को दूर रखने का टास्क मिलता है। मैक्सवेल कारा को भी लीली और मोर्जिन के साथ भेजता है, लेकिन कारा को बास्केटबॉल के मैच पर जाना पड़ जाता है। वहाँ अमोर्जिन और लीली पोस्टमैन को लेटर बॉक्स से दूर रखने में नाकाम हो जाती हैं, जिससे वो एक डॉग में बदल जाता है और उससे भी बुरा उनके साथ ये होता है कि वो डॉग गायब हो जाता है। इतनी मेहनत के बाद भी जब वो डॉग नहीं मिलता तो मोर्जिन कारा से हेल्प लेने के लिए जाती है, क्योंकि वो डॉग्स की लैंग्वेज समझ जाती है। इसलिए कारा जिस डॉग को वाक पे ले जाती है उसकी मदद से पोस्टमैन तक पहुंचती है। इतनी देर में रक्सी इस मैजिक को ठीक करने का हल निकाल लेती है और ये लोग कोई बड़ा मसला बनने से पहले ही डॉग को वापस से पोस्टमैन में बदल देते हैं। अब हर बार की तरह ये लोग इतने बड़े मसले से बच तो जाते हैं, लेकिन मैक्सवेल से अपनी गलती छुपा नहीं पाते, जो इन पर हर बार की तरह गलती करने पर डांटता तो है लेकिन अपनी गलती को ठीक करने पर इन्हें शाबाशी भी देता है। रक्सी और लीली को छोटे बच्चों को मैजिकल म्यूजियम ले जाने की ड्यूटी मिलती है और वही मोर्जिन को ड्यूटी मिलती है कि वो कायरा को मैजिकल पोर्टल बनाना सिखाए। वहाँ दूसरी तरफ म्यूजियम में बच्चे टीवी रिपोर्टर ओरिया का मैसेज सुन रहे होते हैं। ओरिया दरअसल एक एल्फ है जो ह्यूमन वर्ल्ड में टीवी रिपोर्टिंग का काम करती है, ताकि मैजिकल बीन्स की तरफ से होने वाली अजीब हादसों को वो इंसानों से छुपा सके। तभी एक बच्चा गलती से शीशे के बॉक्स में पड़े एक खतरनाक आदमी आर्मर को आजाद कर देता है, जो ह्यूमन वर्ल्ड में निकल जाता है। और अब सीन कट होता है और हमें पीटर और कायरा को एक पार्क में दिखाते हैं। इन्होंने पीटर की मेमोरी तो अरेस कर दी थी, लेकिन फिर भी पिछले कुछ दिनों से होने वाले हादसों को पीटर बहुत गौर से ऑब्जर्व कर रहा होता है और लॉजिक्स भी ढूंढने लगता है, लेकिन कारा उसे चुप करवाने के लिए कुछ नहीं कर पा रही होती। वहीं लीली के फादर शॉन, जो डीएमआई के हेड हैं, वो म्यूजियम में लीली और रक्सी पर बहुत गुस्सा होते हैं और आर्मर के भाग जाने वाले मसले को हल करने के लिए निकल पड़ते हैं। लाइब्रेरी में भी आर्मर के भागने की खबर आ जाती है, सब उसे ढूंढने में लग जाते हैं। तभी पीटर को रोड पर आर्मर नजर आता है और उसे लगता है कि कोई इंसान किसी कॉस्ट्यूम पार्टी के लिए जा रहा है, और जब वो उसे रोकने की कोशिश करता है तो आर्मर उसे मैजिक से दूर फेंक कर वहां से चला जाता है। लीली, रक्सी, कारा और मोर्जिन मिलकर आर्मर को रोकने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि आर्मर लाइब्रेरी की तरफ जा रहा है और वहां दूसरी तरफ आर्मर लाइब्रेरी का दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है। मैक्सवेल भी उसे रोक नहीं पाता। मैक्सवेल को जख्मी देख लीली उसके पास रुक जाती है, जबकि रक्सी और मोर्जिन लाइब्रेरी में आर्मर को तलाश कर रही होती है, पर उन दोनों के लिए भी आर्मर से मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी कारा मैक्सवेल के कहने पर आर्मर वाली बुक से उसकी तलवार निकालकर उसे दे देती है, जिससे आर्मर का मकसद पूरा हो जाता है और वो वापस से स्टैचू में बदल जाता है। कारा इस मसले का हल तो निकाल देती है, पर मैक्सवेल की इमेज रक्सी और मोर्जिन के सामने भी ले आती है, क्योंकि उन दोनों को नहीं मालूम था कि आर्मर की तलवार मैक्सवेल के पास थी और सब यही जानते थे कि ये तलवार गुम हो चुकी है। अब मैक्सवेल ने इस बात को राज क्यों रखा, ये तो हमें आगे चलकर ही पता चलेगा। आर्मर वाले मसले को हल करने के लिए सब कायरा की बहुत तारीफें कर रहे होते हैं। वहीं ओरिया ने ह्यूमन वर्ल्ड में आर्मर वाली बात को कवर कर लिया होता है। पीटर का शक दूर नहीं हो रहा था और पीटर ये बात कंफर्म करने के लिए ओरिया से मिलता है, लेकिन इन बातों को राज रखने के लिए कारा ओरिया को वहां से भेज देती है। कारा के लाइब्रेरी पहुंचने पर इन लोगों का टेस्ट शुरू हो जाता है, जिसमें इन्हें पियानो की ढूंढकर उसका म्यूजिक बंद करना होगा, जो ये लोग सब मिलकर बहुत अच्छे से कर लेते हैं। अगले टेस्ट से पहले ओरिया वहां आ जाती है, जो इन्हें ऑब्जर्व करने वाली है। अगले टेस्ट में इन्हें म्यूजियम में एक मूविंग हैंड को पकड़ना होगा। और अब ओरिया लाइब्रेरी इसलिए आई कि कारा के पास हर दिन बढ़ती पावर्स की वजह से मैजिकल वर्ल्ड में कायरा के लिए सवाल उठने लगे हैं और इस सब की इन्वेस्टिगेशन के लिए वो यहाँ आई है। और अब इनका म्यूजियम वाला टेस्ट शुरू हो जाता है, जो इनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन आखिर में मोर्जिन और कारा दोनों मिलकर अपने मैजिक से उस मूविंग हैंड को पकड़ ही लेती हैं। मोर्जिन और कारा दोनों में से फाइनल विनर ढूंढने के लिए ओरिया इन दोनों को ह्यूमन वर्ल्ड में भेज देती है, जहां ओरिया पीटर के सामने एक मैजिकल क्लाउड छोड़ती है। मोर्जिन क्लाउड को पकड़ने के लिए मशीन लेने चली जाती है, जबकि कारा पीटर को देखकर छिप जाती है। पीटर को क्लाउड के पास आता देख कारा अपने मैजिक से उसे दूर फेंक देती है। इतनी देर में मोर्जिन मशीन लाकर क्लाउड को पकड़ लेती है।
लाइब्रेरी वापस आने पर ओरिया मोर्जन की बहुत तारीफें करती है और कारा को बातें सुनाती है कि उसने इस खतरे से लड़ने से ज्यादा अपने दोस्त को बचाना ज्यादा जरूरी समझा। जब तक उसका ह्यूमन वर्ल्ड से कनेक्शन है वो मैजिकल वर्ल्ड के लिए एक खतरा है, लेकिन मैक्सवेल कारा की साइड लेता है और उसे मुकम्मल मैजिक सिखाने का फैसला करता है। फिर अकेले में कारा मैक्सवेल से पूछती है कि आपने मेरी साइड क्यों ली, जिस पर मैक्सवेल बताता है कि वो भी उसी की तरह आधा इंसान और आधा एल्फ है। उसकी मॉम एक एल्फ थी और उसके फादर एक ह्यूमन थे और इसी वजह से मैजिकल वर्ल्ड ने उसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया और अब वही सब कुछ कायरा के साथ भी हो रहा था। उसे भी मैजिकल वर्ल्ड में जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रक्सी और लिली जब टूट फेरी की ड्यूटी पर बात कर रही होती है तभी कायरा अपसेट हो जाती है क्योंकि वो एल्फ भी है और फेरी भी। अब उसे नहीं पता कि उसकी ड्यूटी एल्फ की है या फेरी की, इसलिए वो अपसेट होकर वहां से चली जाती है। वहां लिली रात के वक्त कारा के घर जाती है जहां वो कारा पर एक मैजिक करती है। जब कारा जागती है तो आईने के सामने खड़ी होकर देखती है, तभी उसके विंग्स निकल आते हैं लेकिन वो विंग्स थोड़ी ही देर में गायब हो जाते हैं। वहां लाइब्रेरी में मैक्सवेल डारा को इसका एनिमेशन स्कल टेस्ट देने को कहता है पर डारा अभी इसके लिए तैयार नहीं था। तभी कारा लाइब्रेरी पहुंचकर इन सबको बताती है कि उसके विंग्स निकल आए हैं, जिस पर लिली बहुत खुश होती है। और जब कारा को पता चलता है कि ये सब लिली के मैजिक से हो रहा है तो वो उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि स्पेल सिर्फ एक दिन के लिए ही होते हैं और इस दौरान उसके विंग्स कभी भी निकल सकते हैं, यानी वो आज बास्केटबॉल की प्रैक्टिस पर भी नहीं जा सकती। कारा को लगता है कि जब से उसकी लाइफ में मैजिक आया है उसकी लाइफ बहुत मुश्किल हो गई है। इमोर्जन डारा को एनिमेशन स्किल सिखाने के लिए तैयार हो जाती है। लिली रात को कायरा के पास जाती है और विंग्स वाला स्पेल खत्म होने से पहले एक बार फेरी बनने का मजा लेने को कहती है। कारा लिली के साथ छोटी फेरी बनकर टूट फेरी की ड्यूटी पर निकल जाती है, जहां लिली कारा को अकेला ही ये करने के लिए छोड़कर चली जाती है। कारा की टूट को क्वीन में बदलते ही ना सिर्फ उसके विंग्स गायब हो जाते हैं बल्कि उस रूम में मौजूद बच्ची भी उसे देख पाती है। कारा को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी उस बच्ची के सामने आना पड़ जाता है। उस बच्ची को भी कारा की तरह मैजिक पर यकीन नहीं होता। कारा उसे यकीन दिलाने के लिए सब बता देती है और दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। वहीं लिली को भी कारा के छोटे होने का पता चल जाता है, इसलिए वो सीधा लाइब्रेरी इस मसले का हल निकालने चली जाती है। डारा और लिली कारा का मसला हल करने वाली बुक पकड़ते हैं लेकिन बुक खुल ही नहीं रही होती, इसलिए लिली रोने लगती है और डारा उसके आंसू इस्तेमाल करके बुक को खोल लेता है क्योंकि फेरीज के आंसू में मैजिक होता है। बुक खुलने पर उन्हें पता चलता है कि अगर ये मसला हल ना हुआ तो कारा हमेशा के लिए छोटी ही रह जाएगी, इसीलिए लिली फौरन कारा को लेने चली जाती है। कारा उस बच्ची से दोबारा मिलने का वादा करके लाइब्रेरी वापस आ जाती है, जहां लिली कारा पर मैजिक करके उसे वापस से नॉर्मल कर देती है और वादा करती है कि वो फिर से कभी उस पर कोई ऐसा मैजिक नहीं करेगी। अगले दिन जब कारा अपने बास्केटबॉल के मैच की प्रैक्टिस के लिए जाती है तो वहां लिली आकर उसे लाइब्रेरी ले जाती है क्योंकि आज इनके टेस्ट के रिजल्ट आने वाले थे जिसमें डारा और कारा फेल हो जाते हैं, पर मैक्सवेल उन्हें एक और चांस दे देता है। मैक्सवेल डारा का फौरन टेस्ट लेने के लिए कह देता है जबकि कारा को उसके बास्केटबॉल के मैच के खत्म होने तक फ्री कर देता है। इमोर्जन और लिली कारा के लिए बहुत परेशान नजर आ रही होती है। वो मैजिक से उसको बास्केटबॉल जितवाने का सोच रही होती है जिस पर रक्सी उन्हें मना कर देती है। यहाँ कारा का मैच शुरू हो जाता है और वहां मैक्सवेल डारा का टेस्ट स्टार्ट कर देता है। कारा को मैच हारता देखकर मोर्जन और लिली चुपके से मैजिक करके उसे मैच जितवाने लगती हैं। अब कारा की टीम मैच तो जीतने लगती है लेकिन रक्सी और कारा दोनों ही समझ जाती हैं कि कुछ तो गलत हो रहा है। जब कारा इन लोगों से वजह पूछती है तो उसे इनके मैजिक के बारे में पता चलता है, जिस पर कारा बहुत गुस्सा होती है क्योंकि वो फेयर तरीके से खेलकर जीतना चाहती थी ना कि चीटिंग करके। और अब मैच का अगला राउंड स्टार्ट हो जाता है जिसमें कारा फेयर तरीके से खेलने लगती है जिसमें उसे लास्ट बास्केट करके मैच जीतना है और वो लास्ट बास्केट करके मैच को जीत लेती है और साथ ही साथ मैच की टॉपर भी बन जाती है। मैच के बाद उन्हें पता चलता है कि डारा ने रिटर्न टेस्ट तो बहुत अच्छा दे दिया है लेकिन प्रैक्टिकल से डर कर वहां से भाग गया है, इसलिए कारा उसे समझाती है कि उन्हें अपने डर को फेस करना चाहिए ना कि उनसे बचकर भागना चाहिए। उसकी बातें सुनकर डारा वापस चला जाता है और अपना टेस्ट अच्छे से देकर पास भी कर लेता है। कारा डारा के साथ कैफे में बैठी होती है कि तभी वहाँ पीटर आकर उसे हॉन्टेड हाउस के बारे में बताता है, जहाँ का मालिक घर को सिर्फ इसलिए बेच रहा होता है क्योंकि उसका बेटा अचानक वहाँ से गायब हो गया था और इतने अरसे के बाद जब वो वापस आया था तो उसका कहना था कि वो एक पोर्टल की मदद से एक बीच पर फंस गया था। कारा पीटर के साथ वहाँ जाने लगती है लेकिन किसी वजह से पीटर को जाना पड़ जाता है। तभी डारा कारा को बताता है कि पीटर की बातें सच हो सकती है क्योंकि वो घर पहले एल्फ का था। दोनों घर को चेक करने जाते हैं, वहाँ सच में एक पोर्टल होता है जिसके अंदर जाने पर वो दोनों एक बीच पर पहुँच जाते हैं और वहाँ फंस जाते हैं क्योंकि वो पोर्टल भी गायब हो जाता है। लेकिन उससे भी बुरा उनके साथ ये होता है कि वो अपने पोर्टल बनाकर भी वहाँ से निकल नहीं पा रहे होते।
दोनों बीच को चेक करते हुए एक बीच हाउस तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें कुछ खास तो नहीं मिलता, लेकिन वहां दीवार पर लगी ड्राइंग को कारा जब टच करती है तो वो मेडिकल लाइब्रेरी में क्या हो रहा है वो देख पा रही थी। डारा उसे वहां से मदद लेने के लिए कहता है। कारा बहुत मुश्किल से वहां लाइब्रेरी में पड़ी बुक्स को इकट्ठा कर देती है, जिससे मोर्जन, लिली और रक्सी को अंदाजा हो जाता है कि कारा और डारा मुश्किल में है। वो तीनों उस घर में पहुंचकर पोर्टल को खोल देती हैं और उन दोनों को वहां से बाहर निकालने में कामयाब हो जाती हैं। वापस आने पर कारा मैक्सवेल से पूछती है कि कैसे वो लाइब्रेरी में ना होने के बावजूद भी लाइब्रेरी से कॉन्टैक्ट कर पा रही थी, लेकिन मैक्सवेल के पास उसकी किसी बात का भी जवाब नहीं होता। अगले दिन मैक्सवेल उन्हें एक असाइनमेंट देकर वहां से जरूरी काम के लिए चला जाता है। लिली और रक्सी दोनों अपना टास्क पूरा करने के लिए चली जाती हैं, जो एक वाटर पंप को ठीक करने का है, जबकि कारा मोर्जन और डारा के साथ जाती है, जिन्हें एक मैजिकल ट्री ढूंढना है और उसे किसी भी मैजिकल एक्टिविटी करने से रोकना है। वहां दूसरी तरफ मैक्सवेल डीएमआई के ऑफिस शॉन से मिलने जाता है, क्योंकि वो कारा के नए कारनामे यानी बीच पर होकर भी लाइब्रेरी से कॉन्टैक्ट करने पर बहुत सोच में पड़ा होता है, जिस पर शॉन का कहना था कि उस एल्फ ने यानी कारा ने बहुत बड़ी ताकत इस्तेमाल की है, जिस वजह से वो ये सब कर पाई, इसलिए वो दोनों उस घर से होकर बीच पर पता लगवाने चले जाते हैं। कारा की दोस्त मटिल्डा पीटर को कारा के लिए जीपीएस वाले एयरफोन्स देती है। उसके जाने पर पीटर लैपटॉप पर वही आर्मर वाली वीडियो देख रहा होता है, जिसमें वो कारा को अचानक गायब होता देखता है। पीटर डारा को वो जीपीएस वाले एयरफोन्स कारा को देने के लिए कहता है, ताकि वो उनकी वजह से कारा की लोकेशन देख सके। और अब सीन शिफ्ट होता है मोर्जन और कारा पर, जो वो मैजिकल ट्री ढूंढ तो लेती हैं, लेकिन उसकी मैजिक की वजह से उसमें फंस जाती है। वहां पीटर डारा की लोकेशन ट्रैक तो कर रहा होता है, लेकिन डारा के बार बार पोर्टल बनाने पर उसकी लोकेशन चेंज हो जाती है, जिससे पीटर बहुत हैरान हो जाता है। वहां दूसरी तरफ मैक्सवेल और शॉन को बीच पर जाकर कुछ मिलता तो नहीं है, लेकिन मैक्सवेल वहां पड़े एक बॉक्स में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, जो उसे ना मिलने पर वो कुछ मायूस सा नजर आ रहा होता है, और साथ ही हमें उसकी हरकतें भी कुछ अजीब सी लग रही होती हैं। अब मैक्सवेल वहां क्या ढूंढ रहा होता है ये तो हमें आगे चलकर ही पता चलेगा। वहां डारा मोर्जन और कारा को किसी तरह करके उस ट्री से निकाल लेता है, और अब ये तीनों अपना टास्क पूरा करके लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं, जहां लिली और रक्सी भी अपना टास्क पूरा करके लाइब्रेरी आ जाती हैं। पीटर डारा की लोकेशन को फॉलो करते हुए मैक्सवेल की बुक शॉप तक पहुंच जाता है, जहां उसे कुछ मिलता तो नहीं है, इसलिए वो वहां से वापस चला जाता है। मैक्सवेल को पीटर की हरकतें बहुत ही अजीब लग रही होती हैं, इसलिए वो कारा को पीटर पर नजर रखने के लिए कहता है, और फिर कारा के शॉप से जाने के बाद मैक्सवेल वॉल से होता हुआ लाइब्रेरी चला जाता है। और तभी हमें दिखाते हैं कि पीटर तो शॉप से गया ही नहीं था, और उसने छुपकर मैक्सवेल की दीवार से उस पार जाने की वीडियो भी बना ली है। इसी के साथ सीजन 1 की 10 एपिसोड खत्म हो जाती हैं। अब आगे क्या होगा, पीटर इनका राज खोल देगा या ये इन्हें रोक लेंगे? कारा को मैजिकल वर्ल्ड में जगह मिल जाएगी या उसके साथ भी मैक्सवेल की तरह सलूक किया जाएगा? मैक्सवेल उस बॉक्स में क्या ढूंढ रहा था और उसके दिमाग में क्या चल रहा था, ये तो हमें नेक्स्ट सीजन में ही पता चलेगा। अगले सीजन की एक्सप्लेन सुनने के लिए हमें जरूर कमेंट करें।